पिछले पार्ट में हमने देखा लड़का अपने दादाजी के कब्र पर जाकर कॉल करता है और कब्र पर कान लगा के सुनने के बाद उसे पता चलता है दादा का फोन सच में कब्र से ही बज रहा है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और घर चला आता है। रात को वो अपने दादा को फिर से कॉल करता है और बताता है स्कूल में जैक नाम का एक लड़का उसे काफी ज्यादा बुली करता है और उसके ठीक अगले ही सुबह जैक की मौत काफी अजीब तरीके से हो गई है। उसके दोनों हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़े हुए थे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से जैक ने मार्टिन को स्कूल में मारा था। स्कूल से घर आने के बाद रात को मार्टिन फिर से अपने दादाजी को कॉल करता है और सारी बातें बताता है और बात करने के बाद कॉल को कट कर देता है। लेकिन उसकी कुछ ही टाइम बाद दादा का कॉल आता है। ये देखकर मार्टिन अपने पैंट में ही मूंद देता है क्योंकि इस बार दूसरे साइड से उसके दादा बात कर रहे थे। मार्टिन डर कर कॉल को कट कर देता है और उसे कुछ ही टाइम बाद दादा मैसेज करके बताता है मुझे माफ कर देना।